तो दोस्तों फाइनली आज इंडिया मार्केट में पोको X3 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। अब यहाँ पर स्मार्टफोन की 100% कन्फर्म कीमत आपसे बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर 100% कन्फर्म मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस स्मार्टफोन के बॉक्स की इमेज निकल कर आ चुकी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर क्या प्राइस होगी वो भी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दूँ तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन की कीमत 25,000 रुपये से कम होने वाली है स्मार्टफोन के 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरियंट की। तो आप अंदाजा लगा करके हमें जरूर बताना कि स्मार्टफोन की कीमत कितनी हो सकती है। अब देखिए, ये स्मार्टफोन जब चाइना में लॉन्च किया गया था तो उसके 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज की कीमत करीब आपको 21,500 रुपये तक देखने को मिली थी। अब इंडिया में आप सभी जानते हैं कि थोड़ा बहुत तो टैक्स लगना ही, तो उसके बाद यहाँ पर कितनी कीमत होगी इंडिया मार्केट में कमेंट करके बताइएगा, वरना थोड़ी देर में मैं आपसे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात करना स्मार्टफोन के स्पेक्स की, तो यहाँ पर स्पेक्स के हिसाब से सबसे कम बजट में आने वाला एक 4G गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी कमी भी देखने को मिल सकती है स्मार्टफोन में, जो कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले में है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एक फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर इस समय सभी कंपनी सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है, तो यहाँ पर भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही कॉर्निंग ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करा देगी। पीछे की तरफ डिजाइन की बात करते हो, पीछे आपको बैक ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, साथ ही पीछे की तरफ आपको क्वाइट रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 48 MP का प्राइमरी सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ लेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पोको X3 जो स्मार्टफोन था ना, उसमें आपको पीछे की तरफ 64 MP का कैमरा देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया गया है पोको X3 प्रो में। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। वहीं पर सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलती, दमदार कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपको 20 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल की कैमरा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है। वहीं पे गेमिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला 4G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 860 है। अब दोस्तों, ये 4G के जो प्रोसेसर है ना, उसमें सबसे नंबर वन प्रोसेसर है इस समय। अब उसके बाद तो यहाँ पर सारे प्रोसेसर 5G के साथ में आ जाते हैं। तो आपकी क्या राय है कि ये स्मार्टफोन गेमिंग में आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा, आपके अंदाजे से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर उसका बेस वेरिएंट होगा 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ में लॉन्च किया जाएगा। वहीं पर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, दोस्तों यहाँ पर आपको 5160 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि अराउंड एक दिन का बैकअप तो आपको बड़े ही आराम से प्रोवाइड करा देगी। साथ ही यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर कंपनी को थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग अपग्रेड करनी चाहिए पोको को, यहाँ पर कम से कम 50W या 65W तक तो पहुँच ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30W की चार्जिंग भी आपके स्मार्टफोन को आराम से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देगी। और वहीं पर बात करते हैं स्मार्टफोन की इंडिया की लॉन्च की, तो आज दोपहर 12 बजे लॉन्च हो जाएगा स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में। अगर लॉन्च पर देखना चाहते हो, हमारे चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो बिल्कुल फ्री में। अगर देखना है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए, वहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अब वहीं पर स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस की बात करें ना, तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ है, यहाँ पर एक जगह आपको लिखा हुआ दिख जाएगा पोको X3 प्रो, एक तरफ आपको इसकी प्राइस दिख जाएगी 22,999 रुपये, यानी करीब 23,000 रुपये। और यहाँ पर आप यह कह रहे हो कि 100% कन्फर्म है, क्योंकि आप नीचे की तरफ देख रहे ना, तो यहाँ पर मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन बॉक्स की इमेज है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 23,000 रुपये से ज़्यादा स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट की कीमत नहीं होगी 6 GB 128 GB स्टोरेज की। तो यहाँ पर स्मार्टफोन की कीमत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर अगर ये स्मार्टफोन 30,000 रुपये में आता है, तो क्या आप स्मार्टफोन को बाय करेंगे, बताना जरूर नीचे कमेंट करते हुए। अब दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।